तो आज मैंने अनबॉक्सिंग की है हॉनर प्ले की, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में साथ ही आपको बताऊंगा आप हॉनर 8X ले सकते हैं या हॉनर प्ले। तो आप देख सकते हैं हॉनर प्ले की फ़र्स्ट लुक, जो इसे मैं पैकिंग से बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने पे हमें मिलता है ब्लैक कलर का हमारा फ़ोन। मैं अपने फ़ोन को रख लेता हूँ एक साइड पर, आपको पहले दिखा दूँ उसमें क्या क्या एक्सेसरी आ रही है। सबसे पहले आपको मिलेगा एक सिलिकॉन कवर, साथ में आपको देखने को मिलेगी एक डाटा केबल, उसके साथ आपको मिलेगी एक हैंड फ्री, साथ में आपको देखने को मिलेगा एक चार्जर। जी हाँ, इसका पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है हॉनर प्ले का इस टाइम, वो 36,000 कुछ चल रहा है। तो हॉनर 8X है, उसका भी सेम रेट चल रहा है, अदरवाइज इन दोनों के रेट बढ़ने के चांस हैं। आपको मैं बताता चलूँ इसमें क्या डिफरेंस दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ इसका हॉनर प्ले का 6.3 इंच दिया गया है, 1080x2340 पिक्सल। इसकी PPI 409 दी गई है। हॉनर 8X का डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, 6.5 है। PPI डेंसिटी कम है, 396 दी गई है। और ये 1080x40 उस पर यानी कि वीडियो बना सकता है, प्ले भी कर सकता है। बाकी हम मज़ीद बात कर लेते हैं इसके अंदर जो स्लॉट दी गई है। हॉनर 8X में 3 स्लॉट दी गई हैं, एट अ टाइम आप 3 2 सिम में 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। हॉनर प्ले में ऐसा नहीं दिया गया, हॉनर प्ले में आप 1 सिम 1 कार्ड डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 सिम में एट अ टाइम कार्ड डले, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 2 सिमें चलेगी या 1 सिम 1 कार्ड डलेगा। बाकी कैमरे की बात कर लेते हैं। हॉनर 8X में कैमरा 20 मेगापिक्सल, बैक कैमरा 2 मेगापिक्सल दिया गया है, ठीक है। हॉनर प्ले में कैमरा कम दिया गया, बैक 16 और साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोनों में LED लाइट मौजूद है। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, फ्रंट कैमरे दोनों के सेम है, 16 16 मेगापिक्सल, HDR 1080p दोनों ही वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। हॉनर प्ले में भी बैटरी सेम है, 8X में भी बैटरी सेम है। दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, एक्सेलेरोमीटर दिया गया है, गायरो दिया गया है, कंपास दिया गया है, प्रॉक्सिमिटी दी गया है। बाकी जो फीचर होते हैं वो सेम इसके अंदर दिए गए हैं। कलर हॉनर 8X में ब्लू ब्लैक पिंक आ रहे हैं, उसमें भी सेम वही कलर अवेलेबल होने जा रहे हैं। इसमें प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंट डाला हुआ है, पर इस वक्त जो परसेंट काट के दोनों सेम रेट में ही मिल जाते हैं। मज़ीद हम इसमें प्लेटफार्म की बात कर लेते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर दोनों का सेम दिया गया है, ओरियो हिल्सी कोल्ड किरण 970 प्ले में और 710 8X में दी गई है। यानी कि चिपसेट दोनों में कम है, यानी कि हॉनर 8X में कम है, हॉनर प्ले में ज़्यादा है। कोटेक्स A53 बाकी सेम है, पर इसमें जो डिफरेंट डाला गया है वो मेमोरी का, डिस्प्ले साइज़ का, ये डाला गया है 6.5 और 6.3। दोस्तों आज आपको मैंने दिखाया हॉनर प्ले एक्स अनबॉक्स करके और हॉनर 8X का डिफरेंट बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।